एक संत एक दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गए और संत दरवाजे पर जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो उन्होंने अलख जगाई, आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। बार बार अलख जगा रहे हैं, बार बार भिक्षा मांग रहे हैं। जब संत ने बार बार अलग जगाई तो अंदर से बुजुर्ग माता निकल कर आई और पात्र में थोड़ी सी खीर लेकर आई थी और वो खीर पात्र में लेकर आई और बाबा जी से कहा, बाबा जी लो आपका पात्र करिए, हम खीर डाल देते हैं, आप अपना पात्र करिए, हम इसमें खीर डाल देते हैं। बाबा जी ने जैसे पात्र करा, पात्र करते से ही बूढ़ी माँ ने देखते सी कहा, बाबा जी इस पात्र में तो बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, इस पात्र को धो लो, साफ कर लो, फिर खीर डाल दूंगी। नहीं नहीं, आप तो इसमें खीर डाल दो। संत ने कहा आप तो इसमें खीर डाल दो। बूढ़ी माँ बोलती है, बाबा जी इस पात्र में गंदगी भरी हुई है, अगर गंदगी भरी है तो खीर कैसे टिक सकती है, अगर गंदगी भरी हुई है तो इसमें खीर कैसे रह सकती है, अगर गंदा है ये तो इसमें खीर कैसे रहेगी, खीर तो बेकार हो जाएगी, खीर तो बेकार, सब दूर उसको कोई खाने के लायक नहीं बचेगा, उसको कोई खाएगा, खीर तो बेकार हो जाएगी। फिर इस खीर का मतलब क्या, फिर इस खीर की महत्वता क्या है। बाबा जी आप इस पात्र को साफ कर लीजिए, आप इस पात्र को धो लीजिए, मैं इस पात्र में खीर डाल दूंगी। बाबा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप तो इस पात्र में खीर डाल दो, नहीं खीर बेकार हो जाएगी, खीर गंदी हो जाएगी, खीर खाने के लायक नहीं रहेगी, खीर बेकार। बूढ़ी माँ बार बार जिद कर रही है, बाबा जी बार बार कह रहे हैं। आखिरी में बूढ़ी माँ ने बाबा जी से पूछा कि मेरे दरवाजे पर तुम रोज भिक्षा मांगने आते हो, पर आज इस पात्र में कचरा लेकर क्यों आ गए जिसमें तुम खीर ले रहे हो। तो बाबा जी ने कहा, माँ मैं तेरे दरवाजे से रोज निकलता था और निकलता था तो मैं रोज भगवान का नाम लेते हुए जाता था, तू मेरे उस नाम को गुनगुनाती रहती थी, पर मैं तेरे दरवाजे से जब वापस निकल कर जाता था तो तेरे दरवाजे से झगड़े की आवाज आती थी, लड़ाई की आवाज आती थी, अपशब्द की आवाज आती थी, आड़तड़ी बातों की आवाज आती थी, इसलिए माँ मैं ये कचरे का पात्र लेकर आया हूँ। तो इससे क्या बताना चाहते हो। बाबा जी ने कहा, माँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि पात्र में कचरा भरा है तो खीर इसमें अच्छी नहीं रह सकती, उसी तरह मन में अगर निंदा कपट चुगली बेईमानी भरी है तो भगवान का नाम इसमें नहीं रह सकता, इसमें परमात्मा का नाम नहीं रह सकता, इसमें परमात्मा विराजमान नहीं रह सकता, क्योंकि इसके अंदर कचरा भरा, इसके अंदर कपट भरा, इसके अंदर बेईमानी भरी, इसके अंदर छल भरा, इसके अंदर प्रपंच भरा, तो फिर भगवान कैसे रहेगा, फिर परमात्मा कैसे रहेगा। भगवान को अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को आपके भीतर अगर रखना है, मेरे देव अधिदेव महादेव को आपके अंदर रखना है तो भगवान शिव को विराजमान करने के लिए अपने मन को शीतलता का अनुभव करा।